मेहमानों में एक नया नाम रमन मलिक जी का जुड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मलिक साहब स्वागत है आपका, पहले ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आपसे जो सवाल है मलिक साहब वो ये कि आखिर ऐसा क्या कर दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने कि आपकी पूर्व सहयोगी अब अछूत हो गई। देखिए, जिस प्रकार से पिछले गत दिनों में अलग अलग समय से अभय चौटाला जी अपनी मर्यादाओं को भूलते गए और मेरे को यहाँ पे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि शायद ये मुगल समय का औरंगजेब का जो प्रकरण था वही चल रहा होगा वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार के अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल करे बार बार, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे मंत्री हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे को नहीं लगता कि एक पार्टी जो अपना वजूद खो चुकी है, जिसके पास अस्तित्व ही नहीं बचा हो, अस्तित्वहीन हो, उसके लिए हमारे को कोई गले लगाने की आवश्यकता है। और पॉलिटिकली आज के समय में जो लोग अपना अस्तित्व भूल खत्म हो चुका है और भूल भी चुके हैं, हमको उनको वो किस तरीके से पॉलिटिकली रेलेवेंट है। चलिए जरा एक रिएक्शन आपका इंतजार कर रहा है प्रवीण अत्रे जी की तरफ से। प्रवीण अत्रे जी, गो अहेड। देखिए साकेत, बड़ी हैरानी होती है, वजूद की बात वो लोग कर रहे हैं जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जींद में बुलाते हैं और 5000 लोग भी वहां पे जुड़ नहीं पाते, वो इंडियन नेशनल लोकदल के राजनीतिक वजूद पे आवाज उठाते हैं। शब्द इस्तेमाल होता है मर्यादा। अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर कहते हैं कि मर्यादा का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। जो व्यक्ति लगातार पिछले 4 साल से इस सरकार की कोताहियों को उठा रहे हैं, लगातार 4 साल से सड़कों पे है, प्रदेश की जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको कहते हैं जी कि उन्होंने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, जबकि इन्हीं के मंत्री हमारे गठबंधन को कभी तो सांप और नेवले का गठबंधन बताते हैं। जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हमें मर्यादा सिखाने की बात कर रहे हैं, और हमें अछूत वो लोग बताते हैं जिन्होंने प्रदेश को 3 बार चलाया, 100 से ज्यादा लोगों को गोली से उड़वा दिया, प्रदेश के युवा के साथ वायदा खिलाफी की, किसान के साथ धोखा किया, वो हमें कहते हैं अछूत है। इनसे बड़ा अछूत कौन हो सकता है? आज प्रदेश का आम नागरिक भी इनके साथ बात करने को तैयार नहीं है, इनकी किसी पब्लिक मीटिंग में जाने को तैयार नहीं है, इनके मंत्रियों के आगे पे लोग नारे लगाते हैं, मुद्दा बात को बोलते हैं, ये हमें अछूत बताते हैं। ठीक है, रिएक्शन लेते हैं। रमन मलिक साहब, इनेलो की हालत मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी है। मेरे को हंसी इसलिए भी आती है इनके ऊपर कि जो लोग आज एक जो मुगल काल के लोग दिखते हैं, जो चाहे अपने ही लोगों को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं सत्ता के लिए, वो क्या करेंगे। दूसरी चीज, जो जब बात आती है मेरिट के ऊपर नौकरी देने की, प्रदेश को जब पहली बारी ये चखा गया कि ईमानदारी से नौकरी मिलनी क्या होती है, मेरिट क्या होता है, तो बोलते हैं नहीं जी मेरिट की ऐसी की तैसी, हम तो देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सगों को, जैसे पहले दी थी। ये जो प्रवृत्ति है ये दिखाती है। उसके अलावा एक और चीज बात करता हूँ आज, ये जो अपने तालाब में बैठे हुए 4 मेंढकों के साथ टरटराना है, ये कोई राजनीति नहीं होती। आप भगीरथ बनने जाते हो, PWD के कारिंदे भी नहीं बन पाते हो, और आप बात करेंगे। आप मेरे को ये बताइए, जो व्यक्ति जिसके पिताश्री रह चुके हैं मुख्यमंत्री, वो किसी मुख्यमंत्री को अभद्र अश्लील बात बोले, वो क्या व्यक्ति है? उसका चरित्र सामने गिरता है। चलिए ठीक है, इसका जवाब मैं अत्रे साहब लूंगा, लेकिन जो सवाल एक ब्रेक पे जाने से पहले मैंने वंदना जी से पूछा था कि चलिए यहाँ तो 2 पार्टियों की लड़ाई है, एक लड़ाई तो आपकी पार्टी के अंदर है। शब्द का इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री के खिलाफ, शब्द का प्रयोग करके बताएं, मैं जवाब दूंगा।
हाँ ठीक है, बात मैं इससे बात जानना चाहता हूँ। ठीक है अत्रे साहब, बार बार पारदर्शी नीतियों की बात कर रहे हैं, खुद ही सरकार कहती है कि दलाल पकड़ लिए, सब दलाल पकड़ लिए, परिवार देख रहे होते हैं चैनल, ठीक है ना, ये चैनल परिवार देख रहे होते हैं। अत्रे साहब और मलिक साहब, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, एक सवाल का जवाब जरा बंदा खोपड़ी से ले लेते हैं, उसके बाद आप दोनों का रुख करते हैं। खत्म हो जाए तो मैं अपनी बात का जवाब दूं। जी बोलिए ना। यहाँ पर बैठ कर आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं और एक से एक बड़े शब्द यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एक दूसरे के लिए। एक की सरकार में गुंडागर्दी चलती थी और एक की सरकार बिल्कुल निकम्मी नकारा सरकार है, कुछ उनसे हुआ नहीं, और यहाँ पर बैठकर जनता को जो मेन मुद्दे उनसे भटकाने का काम करती है। तो यहाँ पर आप बैठ के नूरा कुश्ती मत करिए, इसलिए की जो शब्द है आपके अहम आदित्य, यहाँ पर अपने नेताओं के शब्दों को आप डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं दूंगी। ब्रेक में जाने से पहले आपने एक कमेंट स्टेटमेंट दी थी, सियासत तो आपकी पार्टी में भी, आपने ये कहा था, उसका जवाब देना चाहूंगी। सियासत नहीं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मेरी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी को अपनी बात कहने का हक है, हर एक व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। फिर से कहूंगी, मत भेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं, और मत भेद होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को इंसाफ नहीं मिला, वो दर्दर की ठोकरे भी खाए, कोई दर्दर की ठोकरे नहीं खाए, गुहार भी लगाई उन्होंने, अध्यक्ष की पोस्ट पर अभी भी है, और बिल्कुल एक सेकंड आते हैं कि बीच में नहीं, गर्दन की चोट आप भूल गई शायद, वो पट्टा आप भूल गई, बने हुए बिल्कुल नहीं भूले हैं, और मेरे जो भूल गए हैं कि आगे भी देखेंगे कि आप जो उनको न्याय इमरजेंसी के समय की एक कांग्रेस, आगे उनको न्याय मिलेगा, जो कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को न्याय नहीं दिला पा रही है, जिस चीज के लिए उनको हटाने की कोशिश, सुशील कुमार सिंधे साहब को, सिंधे साहब को भी बनाया गया था उस कमेटी में, और तमाम तरह की बातें थी, अशोक तंवर बार बार कह चुके, FIR तक की बात सामने आ गई थी, इसके बावजूद आज क्या स्थिति है, जो पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष को, वो जिस इंसाफ की वो बात कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष पद पर वो तब भी थे और अभी हैं, ज्यादा पावरफुल हैं ये बताने, और वो भी एक दलित प्रदेश अध्यक्ष, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो, लेकिन जो हमारी हाई कमांड है उनको मालूम है दलित व्यक्ति के ऊपर मारा, इसलिए है वो मेरी पार्टी का आंतरिक मामला है। अच्छा, वो आपकी पार्टी का आंतरिक मामला, मेरा सब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ट्रैक से हट रहे हैं, बात ये हमें बात करनी है कि आज तक जो बयान है उसके ऊपर, तो साकेत राजनीति तो मौसम से भी ज्यादा परिवर्तनशील है। और नेहरा सर एक चीज ये बताइए कि क्या जिस मर्यादा की बातें ये तमाम तीनों पार्टियां कर रही हैं कि अमर्यादित हो गई उनकी भाषा या मर्यादा, राजनीति में इस मर्यादा शब्द की कोई परिभाषा रखी है, छोड़ रखी है क्या इन लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मर्यादित नहीं है, आपस में ही पार्टी के अंदर ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग होता है जी, तो दूसरी पार्टी के लिए तो हम सोच नहीं सकते कि रिस्पेक्ट। देखो ये तो थोड़ी सी हरियाणा का एक थोड़ा सा कल्चर भी रहा है इस तरह की चीजें होना, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे हम जाएंगे कि राजनीति कैसे हो रही है। बात आई है कि अछूत है ये पार्टी, ठीक है ना, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कोई, तो लेकिन इसमें अछूत है क्या है, ये है क्या, ये सदा अछूत रहेगी, हम इस पे चर्चा करें कि क्या ये सरकार में साथ आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरा ये कहना है साकेत कि जो हमारी खासकर भारत की राजनीति है मौसम से भी ज़्यादा परिवर्तनशील है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलेगा, परसों तक आपको शायद नहीं पता होगा कि BJP PDP से समर्थन वापस कर लेगी, अचानक हुआ सब लोग स्तब्ध रह गए, जब एक साथ सरकार बनाई थी तो ऐसा अचानक क्या हुआ, मुझे तो कोई ऐसा सिम्टम नजर भी नहीं आया कि समर्थन लेने का कोई कारण रहा हो। 2019 के इलेक्शन नहीं छोड़े हैं वो नहीं, लेकिन 2019 जीतना होता तो करते ही ना। ये एक बात और बताता हूँ मैं हरियाणा की राजनीति के बारे में, देखिए कम कोई सी पार्टी नहीं है, हम अगर BJP को ब्लेम करें या इनेलो को ब्लेम करें तो कम कोई सी नहीं रही है। 22 जून 1999 शायद हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी और उसको समर्थन दे रखा था BJP ने, पता नहीं क्यों BJP ने बिना बात समर्थन वापस ले लिया 22 जून को, और जैसे ही BJP ने समर्थन वापस लिया हरियाणा विकास पार्टी अल्पमत में आ गई, तो ये लगा था कि सरकार गिर जाएगी हरियाणा विकास पार्टी की, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत पैतरा बदला,
कि हम हरियाणा विकास पार्टी को समर्थन देंगे, और वो काफी 3-4 महीने तक उन्होंने चलाया भी। तो देखिए, जो एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और ये नहीं था 22 जून से पहले 21 जून को कि इस तरह की घटना हो जाएगी, उसके बाद भी वो हुई, तो हम ये कैसे मान लें कि अछूत रहेगी? ठीक है ना साकेत, तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा सभी राजनेताओं को कि जो बात कहते हैं उस पर अडिग रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसकी क्या गारंटी है? जरा इनका जवाब भी ले लेते हैं। मलिक साहब, आज अछूत हैं, अमित नेहरा जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि क्या कल भी अछूत रहेंगे? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, वो एक सत्यता है। नेहरा साहब ने जो बोला वो गलत नहीं बोला, लेकिन जिस प्रकार की आज परिस्थिति है इनेलो की, और जो उनका नेतृत्व है, उस प्रकार के मानकों के साथ किसी भी दल के, ऐसा कोई भी दल हो जो इन मानकों पे चल रहा हो, मेरे को नहीं लगता कि राजनीति में इस प्रकार के लोगों की कोई जगह हो या जनता भी संभालती हो। इससे अगर जिस प्रकार से चौधरी साहब ने, देवीलाल जी ने रखी थी INLD, वो अलग थी, लेकिन जिस प्रकार से आज पहुंच गई है वो बिल्कुल अलग है। नहीं नहीं, सवाल वो नहीं है मलिक साहब, सवाल तो ये है कि क्या कल भी अछूत रहेगी? क्या कल जब इलेक्शन होंगे और उसके बाद अगर जरूरत महसूस हुई, तो क्या इंडियन नेशनल लोकदल के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, हमने एक चीज बहुत क्लियरली बोली कि जिस तरीके से आज है, जब पूछा गया था कि जो भी है, तो जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, मैं आज भी वही चीज बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है, भाषा बनाई हुई है, पद्धति बनाई हुई है, ये वो INLD नहीं है जो चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी, ये अभय चौटाला की है। और जिस प्रकार से ये चल रहे हैं, जब तक ये अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, कोई भी इनके साथ नहीं रह सकता। ये पॉलिटिकली अछूत हो चुके हैं। फिर भी रमन मलिक साहब आपने स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा कि इस इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हम कभी नहीं जाएंगे, ये हमेशा हमारे लिए अछूत रहेगी, इसका एक स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं प्रवीण अत्रे जी आपसे पूछ लेता हूं, आप लोगों ने कह दिया कि कलंक है बीजेपी, क्या इस कलंक को कभी अपने सिर लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं साके, किसी भी हालात में नहीं। ऐसा राजनीतिक दल जो सत्ता में आते ही प्रदेश को बर्बादी की करार पे ले जाके खड़ा कर दे, प्रदेश के नागरिकों को गोलियों से भून दे, किसान को यूरिया के लिए दर-दर भटका दे, दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ जाए, ऐसे राजनीतिक दल के साथ कतई नहीं, किसी भी हालात में नहीं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं यहां, साकेत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तो जबान खड़ा रही थी, हम सत्ता लोगों को नहीं है। 2019 में पार्टी तो 2019 में इनका पीस जैसी पार्टी से लाइन कर सकती है जो अफजल गुरु को शहीद बताती थी, ये सत्ता लोलुप लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ INLD कभी नहीं जाएगी, किसी भी सूरत में नहीं जाएगी, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मलिक साहब, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर ही दिया है। अत्रे जी, 2019 में भी हम जीतेंगे और आप बैठोगे बाहर ही, और आप 2019 में तो आप नहीं आओगे, मैं गारंटी से कहता हूँ, आपके आधे विधायक टिकटेंगे, लिख लीजिएगा मेरी बात, आपके आधे विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मांगने तक नहीं जा पाएंगे, आप लिख लीजिए इस बात को, प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है रमन जी आप लोगों का, आइए तो वोट मांगने, आपको बताएंगे। आपसे बड़ा वायदा खिलाफ कौन होगा? किसान से वायदा किया आपने धोखा दिया, कर्मचारी से वायदा किया धोखा दिया, युवा से वायदा किया धोखा दिया, दलित से वायदा किया धोखा दिया, आप क्या ख्वाब ले रहे हो? ठीक है, रमन मलिक साहब, एक सवाल वंदना पोपली जी का, एक प्रश्न है। अभी जब आपसे पूछा गया तो आपने उत्तर दिया कि अभय चौटाला जो है वो अलग तरह से चल रहे हैं, चौधरी साहब की बात अलग थी, आपने यहाँ पे उसको स्पेसिफाई भी किया, चौधरी देवीलाल जी की अलग बात थी। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो सुभाष बराला जी की तरफ से बयान आया वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए था, ना कि पार्टी के लिए। और यहाँ पर आप एक व्यक्ति को भूल गए, ओम प्रकाश चौटाला जी। जब वो बाहर आ जाएंगे तब क्या स्थितियां हो जाएंगी वो भी बता दीजिए। ऐसा है, चौधरी देवीलाल जी को पूरा प्रदेश जननायक बोलता है,
उनकी इज्जत हर एक के मन में है, लेकिन जिस प्रकार से ये पार्टी है, आज की स्थिति है, जो ये चल रहे हैं, ये पॉलिटिकली अछूत हो चुके हैं और हमारी पार्टी को किसी की आवश्यकता नहीं है। हम बिना बैसाखियों के चल सकते हैं और भाग भी सकते हैं। और आप 2019 में आप दोनों जनता के सामने पड़े हो गए। ये सरकार के अभी 47 सीटें आई थी हमारी, हम इससे बहुत आगे जाके दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमने विकास किया है, हमने साफ दिखाना सही विकास किया है। हमने आपकी तरह नहीं करा कि एक खाता जाए, एक ग्रीन ब्रिगेड चलाए, आपके कदमों के नीचे से तो जमीन खिसकती जा रही है। ग्रीन ब्रिगेड के अधिपति है, आप सही से जवाब नहीं दे पाए, ना हम लाल ब्रिगेड के अधिपति है। हम हरियाणा के सेवक हैं, हमने हरियाणा का साफ बता दिया है, ट्रांसपेरेंसी है, मैंने पे नौकरियां दी, आखिरी तेल पे पानी पहुंचाया, परिस्थिति ठीक करी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। क्या आप मेरे कोई भी बता सकता है कब आपके कोई भी मुख्यमंत्री जनता की ऐसी सेवा करेंगे? कोई नहीं कर पाया, सिर्फ अपना पेट भरने में लगे रहे अपने आकाओं का। अच्छा एक बात बताइए रमन मलिक साहब, एक बात बताइए रमन मलिक साहब, आप मर्यादा की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से भाई चौटाला, मैं आपकी पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी की बात करता हूं, उन्होंने जिस तरीके की बातों का जिक्र किया और अभी भी उनका स्टेटमेंट है कि मुझे अगर आप टिकट दोगे भी तो भी आपके टिकट पर नहीं लड़ूंगा, इस आप कारण बताओ, नोटिस देते हैं उसका, वो जब कहते हैं डस्टबिन में फाड़ के फेंक दिया, समय आने ये सारे मिल जाएगा जवाब। अरे सर और समय लेंगे क्या, इस मसले पर और समय लेंगे रमन मलिक साहब, इसका और समय लेंगे। बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता पर एक्शन लेने में आप और समय लेंगे। बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना, लेकिन कांग्रेस की तरह वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ हमारा कभी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो कि सांसद बना, वो पार्टी के अनुशासन को तोड़ता है, पार्टी के गाइडलाइन को, पार्टी की लकीर को लांघता है, इस पर आप एक एक्शन नहीं ले पाए आज 2-3 साल में। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन चिंता करेगा सर, ऐसा मत बोलिए कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता ने चिंता करना छोड़ दिया तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर पहले थे। जनता ने चिंता करना छोड़ दिया तो आप उसी हाशिए पर चले जाएंगे जहां कभी हरियाणा में हुआ करते थे। जनता की चिंता के लिए हम हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि जनता ने अगर चिंता करना छोड़ दिया आप लोगों को, उनकी सेवा करने के लिए हम हैं। और जनता को हमारी सिर्फ इतनी चिंता करनी है कि कहीं गलती से भी अगर गलती हो रही हो तो वो हमारे मालिक हैं, हमारे को बता सकते हैं। सवाल होती है, पार्टी का प्रधान नोटिस इश्यू करता है और मेंबर पार्लियामेंट उस नोटिस को डस्टबिन में डाल देता है, ना तो पार्टी उस मेंबर पार्लियामेंट को पार्टी से निकालती है और ना ही वो मेंबर पार्लियामेंट पार्टी छोड़ता है। आप समझ सकते हैं इस धारमेल को, भारतीय जनता पार्टी की सोच और नीयत को आप समझ सकते हैं, प्रदेश के भाईचारे को जलाने के लिए किस तरह से एक आदमी को सामने किया जाता है और उसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, नोटिस को डस्टबिन में फाड़ के फेंक देता है। प्रवक्ता कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रदेश की जनता इनसे सवाल भी ना पूछे। अतरे साहब आप अपनी आदत से बाज नहीं आए, आपका दल आपने हरियाणा और पंजाब के बीच में लड़ाई झगड़ा पहुंचाने के लिए कैसे सफल नहीं हो पाए, बजाय आप इधर उधर की बात करने के इस बात को बताइए, वहाँ पे खुदाई की जगह सड़क को क्या कहते निकालते। अरे अतरे साहब आपकी जो पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद पैदा करना चाहते थे, आपकी नीयत सीरत सब समान है। लेकिन लेकिन सवाल तो जायज है ना, आपके अंदर सरकार में थे जब नहर को डीनोटिफाई किया गया, आप ही के मंत्री थे मदन मोहन मित्तल जो असेंबली के अंदर उस प्रस्ताव को लेके आए थे जब SYL को डीनोटिफाई किया गया। अरे अतरे साहब बताओ ना, तकदार कौन होगा? आप लोग बोल रहे थे हरियाणा में कोई और भाषा बोलते हो, पंजाब में आपकी सरकार जा देंगे, ये कोई सामने लोगों की बात है? आप उस पे अमल नहीं करते, आप डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करो। आप वहां तो डंडे लेकर चले गए थे पंजाब की रोड
लोगों की गाड़ियों को तोड़ने, आपने जिस तरह से डीनोटिफाई किया, हम प्रदेश के हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे रमन मलिक जी, हम प्रदेश के हक के लिए। आप प्रदेश में क्या करते थे? आपके टाइम पे एक मशहूर जिस तरह से आपने पंजाब में आपके मंत्री नोटिफाई करने का परिवार के लोगों को चीज समझ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आगे तो वो मांग लेते हैं। आप दोनों को रुक रहा, अमित नेहरा जी से एक सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। अमित नेहरा जी, आपने इस बात का जिक्र किया था कि सुभाष बराला ने तो कह दिया कि अछूत है इंडियन नेशनल लोकदल उनके लिए, लेकिन प्रवीण अत्रेय जी ने जिस बात को बिल्कुल ताल ठोक के यहाँ पर कहा है कि कभी नहीं जाएंगे, आपको लगता है कि ये पार्टी की लाइन होगी कि कभी नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ? देखिए साकेत, राजनीति के बारे में तो मेरा ये कहना कि राजनीति क्या है, राजनीति है होती है मौके की, कि क्या मौका मिलता है। अब यहाँ कहने की कोई वो नहीं है कि ठप्पा लगा दिया, वहाँ जब ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, क्या समीकरण बैठेगा, किसको कितनी सीटों की जरूरत होगी, तो उस पर डिपेंड करता है। अब मैं तो सुभाष बराला जी के बयान पे भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि अछूत है, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं क्या मौका आ जाए, समर्थन लेना पड़ जाए जी, देना पड़ जाए, तो इन बातों पे ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए। राजनीति मौके की होती है, सीधी सी बात है, और वो तो स्पष्ट है। यहाँ पे नैतिक जो मापदंड है भारत में खासकर, वो इतने ज़्यादा नहीं है, आदर्श इतने उच्च नहीं है जितने विदेशों में होते हैं कि अपनी बात पे खड़े रहो। यहाँ होता क्या है, जिस पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़के आए हो, पता चलता है वही उसके समर्थन दे रही है। तो देखिए, ये भ्रष्टाचार है एक तरह से अपने वोटरों के साथ, तो ये चलता रहेगा। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ, जो एक कास्ट जगी थी कुछ समय पहले कि हाँ सुचिता होगी राजनीति में, लेकिन वो भी धूल दूसरित होगी। आगे मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया समय आएगा कि कोई ऐसा राजनेता आएगा कि जो ये कहेगा हाँ जो मैं करता हूँ वही कहता हूँ। जी सर, प्रवीण अत्रेय जी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? देखिए साकेत, अगर मैं आपके चैनल पे ये बात पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूँ तो स्वाभाविक है ये पार्टी लाइन है, मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा हूँ। अमित जी जो है स्वतंत्र है, मेरे मित्र भी हैं, वो आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीति का विश्लेषण बेहतर करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अमित जी भी मैं मानता हूं उससे सहमत होंगे, क्या कोई भी राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल के साथ जाने की बात सोच भी सकता है जो लगातार प्रदेश को बर्बादी की करार पे लाके खड़ा कर रहा है, लगातार किसान के साथ धोखा कर रहा है, लगातार युवा के साथ धोखा कर रहा है, लगातार दलितों के साथ धोखा हो रहा है। मैं अमित जी से सवाल पूछता हूँ, क्या अमित जी कोई राजनीतिक दल सोच सकता है? कभी डिज्नीलैंड, कभी लाला लैंड, आप एक बात समझिए, कभी ये लैंड, मोदी जी ने वायदा किया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का, प्रदेश सरकार और क्या किया होता साथ ने, साथ देने का वायदा किया, एक तरीके का घोटाला, दूसरे तरीके का घोटाला, कभी कहीं कभी कहीं एक एक दिन के लिए साइबर में ठीक है, जो जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब ले लेते हैं अमित नेहरा जी से, उसके बाद वाइड अप का भी वक्त होगा। एक 24 घंटे के लिए नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मेरी जानकारी है, वो ये है कि इनेलो का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इनेलो ये तय है कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएगी, और ये मैं कह नहीं सकता भविष्य में कि वो बीजेपी के साथ जाएगी या किसके साथ जाएगी, लेकिन ये बात पत्थर की लकीर है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस और बीजेपी चाहे बेशक विरोधी पार्टियां हो, लेकिन पलवल की जो 1999 में रैली हुई थी लालकृष्ण आडवाणी की, तो उन्होंने एक बयान दिया था, अपील भी की थी मंच से सार्वजनिक रूप से, वोटरों को ये कहा था कि आप हमें वोट ना दें, कांग्रेस को डाल दें लेकिन क्षेत्रीय दलों को ना डालें, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दूसरा है, आप बात समझें। मेरा कहना यह है कि सिर्फ इनेलो ऐसी पार्टी है जो 99 और अभी में बहुत फर्क आ चुका। अरे छोड़िए, मैं बात 99 की मैं फैक्ट कह रहा हूं, अब आगे आपका क्या पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना।
आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप समर्थन लेंगे या नहीं लेंगे कंक्रीट रूप से, जैसे अत्रे जी ने कम से कम ये इतना इतनी हिम्मत तो दिखा दी कि उन्होंने ये कह दिया सार्वजनिक रूप से कि हम समर्थन नहीं देंगे या नहीं लेंगे। मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि ऐसे लोगों के साथ जिनका अपना ठीक है, चलिए अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन जनता है उसको समझना होगा कि असल मुद्दे क्या है और असल मुद्दों से भटकाने के लिए क्या इस तरह के गैर जरूरी बयानात किए जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति का सिद्धांत क्या है ये आपको भी पता है, पॉलिसी क्या है ये आपको भी पता है, और राजनीति में मर्यादा किस हद तक कायम है, किस हद तक जिंदा है ये आपको भी पता है। आज की पेशकश में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।